हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो ये देख रहे, हम दोनों आज सेम सेम बने हैं, सेम कपड़े लगाए हम दोनों ने। तो अभी जा रहे हम पतलीकुल, मैं और आरबिका, क्योंकि मेरे लिए ना मैं सूट लेने वाली हूँ अब, क्योंकि दुशहरा आने वाला है। तो मेरे वहाँ सूट है तो है, चलो तब भी औरतों का होता ना एक और सूट लेना। तो चलिए अब सूट ले लेते हैं हम पतलीकुल में जाके, उसके बाद फिर आएंगे वापस 1:30 बजे, 1:30 2 बजे, क्योंकि ईशानी आने वाली है। तो अभी टाइम हो गया 12:45, तो अभी हम जा रहे हैं। तो फटाफट से हम सूट साट लेके फिर वापस आ जाएंगे। हेलो कर दे आरवी। तो चलिए अब हम जाते हैं पतलीकुल। अब शायद ही मैं आपको पतलीकुल में मिलूँगी, अब शायद मैं आपको घर वापस आके ही मिलूँगी, क्योंकि तब दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने कैसा सूट लिया है। तो चलिए अब चलते हैं। बाय करो इनको, बाय करो। तो ये देख लीजिए, अब हम पतलीकुल में पहुँच चुके थे। तो वहाँ पर ना क्या बोलते हैं, वो समर फेस्टिवल लगा हुआ था। तो हम वहाँ पर गए थे 1 मिनट घूमने में और आरवी का। तो वहाँ पर ने ये था, तो इसको ने इसने ना ये जंपिंग, ये बोल रही थी जंपिंग जंपिंग ना मम्मी। तो बस तो वो मिक्की माउस में भी खेलने वाली थी, मगर वहाँ पर मिक्की माउस नहीं लगा हुआ था। तो ये बस इस पे ही कूदी थोड़ी देर। ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ लगा था समर फेस्टिवल। तो ये देखिए इस तरह व्यू भी बहुत ही प्यारा है। ये पतलीकुल का व्यू है। ये देखिए यहाँ पर 26 जनवरी और एक मेला मनाया जाता है इसी जगह पर। तो यहाँ पर बोलते हैं झील, देखिए इस तरह से है कुछ व्यू। बहुत ही सुंदर सुंदर सा सामान आया था पतलीकुल में। ये देखिए, तो उसके बाद ना हम घर आए, और उस टाइम बुआ जी और एक मिन्नन जी आए थे हमारे वहाँ। तो आंटी जी ने भी बुलाया था मेरे को, पर मतलब जो वो अंकल जी नहीं, जिनकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि जिनको अवार्ड मिला था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से, तो उनके घर में थी पार्टी। तो 2-3 दिन के बाद, 2 तारीख को थी पार्टी, तो उसके 1-2 दिन पहले थी ये तैयारियाँ शुरू हुई। तो आंटी जी ना क्या बोलते हैं, VDC मेंबर भी है, तो उनके ना वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक मीटिंग थी कुल्लू में, तो वो गए थे मीटिंग में। तो ये देखिए, ये अंकल जी का अवार्ड। तो आंटी जी वहाँ गए थे, हम पीछे से साफ़ सफाई कर रहे थे, मतलब उन्होंने बुलाया था हमारे को। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर घर है इनका, बहुत ही प्यारा है। तो ये ट्रॉफीज देखो कितनी सारी है। तो इनका ना पूरा परिवार ही बहुत, मतलब होता है ना का, मतलब पढ़ाई लिखाई में सब कुछ में तेज़। तो ये देखिए अवार्ड देखिए कितने मिले, इनके बच्चे भी बहुत तेज़ है पढ़ाई में। तो कुछ अवार्ड अंकल जी के हैं, कुछ बच्चों के हैं। तो ये देखिए मेरे आने तक तो इन सब ने ना कितना सारा काम कर लिया था। ये देखिए मैं तो बस अंदर, तो मैंने कुछ भी नहीं किया अंदर, तो इन तीनों ने ही किया था मेरे आने तक। देखिए आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए, तो इसके बाद ना हमने थोड़े मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया यहाँ पर, सफाई करके चाय पानी पी। उसके बाद गए हम नीचे, थे इनके खेत, छोटा सा खेत, वहाँ पर भी थी सफाई करने को। तो वहाँ भी हमने साफ़ सफाई कर दिया, ज़्यादातर तो वही था, खेत ही था, मतलब ज़्यादा सफाई करने को। बाकी तो अंदर तो इतने ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं थी, क्योंकि घर नए आई अभी। तो ये देखिए मैं तो वीडियो ही बना रही थी इस टाइम पर। वेलकम टू हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो ये देखिए, ये है मेरी प्यारी सी ननन जी। तो ये आए हैं स्कूल से अभी अभी, हम आए इनके घर में सफाई करने। तो ये देखिए हमारे वहाँ सफाई सिखाते, हम दोनों साथ में, हम दोनों ने देखिए पूरा मैदान साफ हो चुका, हो नहीं चुका है, हम करने वाले हैं, हो ही चुका। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते मैं आपको क्या सफाई।
गई। मैं तो रोज से बैठी थी सारा खाली। देखिए जी यहाँ पर हम सफाई कर रहे हैं सबके सब, ये जो घास वगैरह है तो ये यहाँ पर चला रहे हैं हम सबके सब सफाई कर रहे, सब कोई ना कोई काम कर रहा है, मतलब बिल्ली कोई भी नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर है पार्टी 2 तारीख को। उस दिन तो बस ऐसे ही था जिस दिन अंकल जी आए नई दिल्ली से। तो ये है मेरे देवर जी, इनके पापा की पार्टी है। चैनल का नाम है? क्या सब्सक्राइब करना है इन्होंने? मैथिली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो देख लीजिए ये थे मेरे देवर जी और ये देखिए ये हमारे पड़ोसी। तो सच में बोलते हैं अपनों की इज्जत अपनों के हाथों में होती है। ये देखिए क्योंकि गांव में अभी भी है ये भाईचारा, जब कुछ काम होता है तो हम सब मिलकर करते हैं। देखिए ये मेरी भाभी, इनसे तो आप मिल चुके हैं, उस दिन भी मिलवाया मैंने। ये हम ये देखिए ये है घर मालिक, ये तो बाजार गए हुए थे, हम काम कर रहे थे। ये देखिए यही अपनों का फायदा है। आंटी जी गए थे बाजार शॉपिंग करने तो हम घर मालिक घूम रहे हैं। हाँ काम करते हैं दिखाओ। तो ये कर रहे हैं ना, देखो काम दिखा तो रही हूँ। आप भी करो ना, आपको भी दिखाऊं मैं। तो चलिए अब मैं करती हूँ काम, तो उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको। देखिए जी फ्रेंड्स, मैं अभी पहुँच चुकी हूँ घर में, आंटी जी के घर से मतलब मैं गई थी वहाँ पर वो साफ़ सफाई करने, उनकी हेल्प करने। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर में, तो अभी टाइम हो गया 6 बज चुके हैं और अभी घर में खाना भी बनाना है। आज तो मैंने बहुत कुछ कर लिया है, सुबह काम किया मतलब घर का, उसके बाद ईशानी को तैयार करके स्कूल भेज दिया, उसके बाद खुद तैयार होकर हम पतली गुल गए। तो पतली गुल गई थी मैं कुछ शॉपिंग करने, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की आज। और उसके बाद मैं उसके बाद फिर मेहमान आए मेरे वहाँ, मेरी बुआ जी जो बुआ सास है मेरे, तो वो आए थे, बू जी और मेरी ननन जी है एक, तो वो दोनों आए थे। फिर उनके लिए मैंने खाना बनाया और उनको खाना खुना खिला के फिर भेज दिया है घर। मतलब मैं तो बोल रही थी उनको बैठो, मतलब उन्होंने बोला था कि हम बाट में जाएंगे, बाद में बोला कि नहीं हम बाट में अभी नहीं जाएंगे, अब हम घर जाएंगे, क्योंकि घर में काम भी होता था, गाय वगैरह है रखी हुई उन्होंने। तो फिर वो चले गए घर और उसके बाद मैं चली गई आंटी जी के घर साफ़ सफाई करने, क्योंकि परसों है पार्टी 2 तारीख को। हाँ 2 तारीख को है उनकी पार्टी, पार्टी मतलब अंकल जी दे रहे, जैसे उनको वो अवार्ड मिला था तो उसकी पार्टी है। जिस दिन वो आए थे वहाँ से नई दिल्ली से, उस दिन तो बस थोड़े जैसे थे हमने उनका वेलकम किया थोड़े जैसे ही, तो बाकी जो रिश्तेदार बच्चे बाकी जो गांव वाले हैं तो उनको पार्टी है 2 तारीख को। तो फिर गई थी मैं उनकी हेल्प करने कुछ काम करने, तो जैसे कि आपने देखा ही है कितने सारे थे हम काम करने वाले। मैं तो बस अभी गई थी 4:00 बजे गई थी, 6 बजे मैं वापस आ गई हूँ और अभी मैं घर में पहुँची। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी शॉपिंग, तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की आज, तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको शॉपिंग अपनी। सबसे पहले तो मैंने लिए सूट, सूट सिंपल जैसे सूट लिए मैंने, एक लिया मैंने ये वाला सूट, ये
क्योंकि अब करवा चौथ भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने ये रेड वाला सूट लिया है। देखिए इसमें वाइट वाइट फूल है छोटे छोटे से, तो ये देखिए वाला ले लिया। तो बताइएगा कैसा है ये सूट। और उसके बाद मैंने ले लिया है ये वाला कपड़ा अपने लिए मेरा सूट, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। अब यहाँ पर ना हमारे कुल्लू मनाली में सर्दियाँ बस शुरू हो ही गई हैं, सुबह शाम तो बिना स्वेटर के बैठने, जैसे कि आपको पता है, देखो मैंने स्वेटर लगाई है, कोटी लगाई है, तो आजकल ठंड काफ़ी हो गई है। ये देखिए ये, और ये ले लिया उन दोनों के लिए, पूरा सूट है ईशानी और आरबिका के लिए। तो हम तीनों बनाएंगे, जैसे कि आपने देखा था आज मैंने और आरबिका ने भी सेम सूट लगाया था, वो भी हम तीनों के लिए बनाया था, मतलब एक ही जैसा सूट। और ये देखिए ये भी हम तीनों लगाएंगे एक जैसा सूट। बताइएगा कैसा है ये, थोड़ा इसका स्टफ थोड़ा मोटा है, ये पतला है, क्योंकि अब दुशहरा आने वाला है और उसके बाद करवा चौथ है। मैंने सोचा चलो सिला के रख देती है काटा सूट। और उसके बाद ये देखिए ये मैंने अपने लिए सॉक्स लिए है, दो सॉक्स, और ये मैंने गिफ्ट लिया है किसी को, इतना अच्छा गिफ्ट, मेरी नन्ना जी है का, उनके लिए, उनको ना इस प्रकार के रबर, जो रबड़ होते ना हेयर बैंड हेयर रबड़, तो उनको ये वाले बहुत पसंद है, तो मेरे को ये वहाँ पर बहुत ही प्यारा जैसा दिखा, तो मैंने उनके लिए ले लिया ये एक। और ये ईशानी के लिए, क्योंकि उसकी दो चुंडे बनते हैं हमेशा, मतलब स्कूल के लिए उसको दो चुंडू बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने ये चार रबड़ ले लिए उसके लिए। और मेरे वहाँ सिंदूर ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने सिंदूर ले लिया है। तो आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी, तो उतने अच्छे तो क्या, मतलब सिंपल जैसा सूट ले लिया मैंने। तो चलिए आज के ब्लॉग की एंडिंग में यहीं कर देती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देवतानारायण आप सभी को खुश रखे और स्वस्थ जीवन दे, और आपके परिवार में भी सभी अच्छे रहे आपस में। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय।